એટલું ખાધું હે, 5 વખત જિલ્લા પ્રમુખ, 4 વખત એમએલએ, 2 વખત મંત્રી ના નવા નવા સોરાફેર સલાવી રહે કે 15,000 કરોડ નો ગપલો કર્યો હતો, હવે પાસે ને ઘર મેઘ ને બાર તો જવું જ પડે, શું કરે. કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં, 15,000 કરોડ ખાધા હો તો જેરબ હારું ભારતીય જનતા પાર્ટી ગયો તો ભી ઠીક, ફેર લાલચ ખાવા હારું ગયો તો ભી ઠીક, પર ભાગીદોરા ઇસ બાંસવાડા કી જનતા, યુવા જનતા ઉસ મહેન્દ્ર માલવિયા કો બખ્શેગી નહીં. ઓર આજ સે વિઠ્ઠલ દેવ સે કસમ ખા કે જાય कि उसने उस आदमी ने 40 साल कांग्रेस का खाया है, गरीबों को गला दबा के खाया है, तो लोकसभा लड़े कि विधानसभा लड़े, बेबे दाड़ा रोटो ने मल चाली जाए, पर इन्हें वहां के रिकॉर्डो राजू तो अपने नहीं देखे. अगर बोले हैं कि महेंद्र मालवीय ने 40 साल तक राज किया, लोगों को डरा धमका कर पैसे बैठे और 15,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया 40 सालों तक, उन्होंने जिला प्रमुख रहते हुए, सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, इसके बारे में आपका क्या राय है? ऐसा है कि पंचायती राज के बारे में अर्जुन जी बामणिया साहब क्या जानते हैं, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ. इनको ये नहीं पता कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से पैसा निकल के आता है और वो पैसा सीधा सीधा पंचायत के खाते में जाता है. ना कलेक्टर वहाँ कुछ कर सकता है, ना कोई मंत्री वहाँ पर कर सकता है, ना मुख्यमंत्री वहाँ पर कोई कर सकता है. तो इतना 15,000 करोड़ कब इस बांसवाड़ा के जिला परिषद में पैसा आया? इतना पैसा टोटली पैसा नहीं आया, पैसा तो सीधा पंचायतों में जाता है और पंचायत की ग्राम सभा तय करती है कि कहाँ पर इस पैसे को लगाया जाए. तो इन बातों में कोई दम नहीं है. और दूसरी चीज़, अगर वो 40 साल से अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था तो वो भी चौथी बार के एमएलए हैं, इनको भी कुछ न कुछ तो मिला होगा, वो भी तो उसमें शरीक होंगे.